जब से एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का रिजल्ट आया है, बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि उन्हें तो मेंस में अपीयर होने का मौका नहीं मिला। कई सारों का लास्ट अटेम्प्ट था, कई सारों का पहला अटेम्प्ट था, लेकिन परेशान हर कोई हुआ जिसका टीयर 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ। कई सारे लोग टीयर 1 के रिजल्ट के बाद ये डरे हुए हैं कि टीयर 2 की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। पहली चीज ये है कि जिनका टीयर 1 के लिए सिलेक्शन हो गया उनको तो नॉर्मल सी बात है, कम बच्चे सेलेक्ट, कॉम्पिटिशन आप लोगों का कम होगा, फिर से मेन्स के कट ऑफ का कोई कंपेयर ना करें, कोई रिलेशन नहीं होगा। अब देखो, पहली बार हुआ है एसएससी के इतिहास में कि इतने कम बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करवाए गए। जनरली एसएससी क्या काम करती है कि 10 टू 12 टाइम्स या इवन उससे ज्यादा बच्चों को टीयर 2 में अपीयर होने का मौका देती है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या रिवाइज्ड रिजल्ट आ सकता है एसएससी का। देखो भैया, सिंपल सी बात है, एसएससी की रियलिटी यह है कि रिवाइज्ड रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट अगर आपको लगता है कि आपके प्रयास करने से, आपके एक मेल करने से अगर आ सकता है तो नो डाउट आई विल सपोर्ट। आप कर दो, आप मैसेज कर दो डीओपीटी पे, ग्रीवेंसेस वगैरह डाल लो, ठीक है, और अपने एसएससी के हेडक्वार्टर को जो मेल है आपके पास उस पर मैसेज कर सकते हो कि रिवाइज कर दे रिजल्ट, उनको कुछ नहीं करना, जो डेटा था उसी में से 2000-4000 बच्चों को और डाल देना है, ठीक है। कट ऑफ थोड़ी लो आ जाएगी, हो सकता है आप एलिजिबल हो जाओ, बट मानो 99.99% चांसेस होंगे कि आपकी जो ये बातें हैं रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो रिपीटर से परेशान है, हर कोई परेशान है। टीचिंग फील्ड में जब मैं आया था मेरा मोटो यही था कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। हेल्प केवल पढ़ा के नहीं होती, मैंने 1600 वीडियोस पढ़ा दी हैं और डेली कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ नया सीखा पाऊं, बट उसके साथ ही साथ आपकी इस जर्नी में आपकी सपोर्ट करना भी मेरा फर्ज बनता है। तो ये जो रिपीटर्स हैं, ये सीड जो खराब कर रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता और एक पीढ़ी या एक जनरेशन या आने वाली 2-3 जनरेशन उनकी खराब हो जाती है जो वो पोस्ट लेके अपना जिम, जो इनके लिए खिलौना है वो पोस्ट उनके लिए ड्रीम थी। एसएससी के लिए एक बेसिक सी बात यह है कि भैया अगर वेटिंग लिस्ट ला सकते हो तो प्लीज जितनी जल्दी हो पाए, हर एग्जाम में है, आप भी प्लीज वेटिंग लिस्ट लाओ। वेटिंग लिस्ट से यह होगा अगर कोई नहीं ज्वाइन करता तो उससे जो मतलब जिन बच्चों को आपने बाहर किया था उनमें से कोई सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी एक पीढ़ी सुधर जाएगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, साथ ही साथ आपके उसी खर्चे में जो खर्चा करके आपने एग्जाम करवाया था उसी में आपको पूरी पूरी सीटें फिल हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद है कि रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने जो एग्जाम करवाया, एग्जाम पे खर्चा किया, वो खर्चा बेकार नहीं जाएगा, सारी सीटें फुल हो जाएंगी और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो वेटिंग लिस्ट हमारा पहला रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप वेटिंग लिस्ट नहीं भी लाते तो एक बेसिक काम कर दो, 2400-2800 ग्रेड पे को छोड़ दो, लेकिन 4200-4600 ग्रेड पे में लाइक बैंक के एग्जाम में होता है बॉन्ड होता है। बॉन्ड इन द सेंस कि 2-3 लाख-4 लाख रुपए का जिस ग्रेड पे के हिसाब से बॉन्ड रख दोगे तो लोग क्या होगा कि मल्टीपल टाइम्स जो एक ही पोस्ट खराब करते रहते हैं, एक बार 4600 लिया, फिर से 4600 लिया, तो वो जब 3-4 लाख रुपए रख दोगे ना वो पोस्ट ही नहीं भरेंगे, या तो पोस्ट भरेंगे तो एग्जाम ये नहीं कि इस बार ये पोस्ट अगली बार वो पोस्ट, 3 लाख रुपए बड़ी बात होती है, कहते 3 लाख दोगे तभी एनओसी मिलेगी, तभी आप अगला एग्जाम या अगला वो दे सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जिन्होंने 4600 में एक बार ऐसी रैंक ले आई जिससे उनको कोई भी पोस्ट मिल सकती थी, उनको अगली बार एग्जाम में अपीयर होने का मौका ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो बच्चों का टाइम बेकार हो रहा है फर्जी मोटिवेशन के चक्कर में, उनको लगता है कभी ना कभी निकल जाएगा, वो अपनी जिंदगी का 4-5-6-8 साल जो सबसे कीमती हो सकते थे वो बेकार कर देते हैं एसएससी के फील्ड में, उनके सब के लिए अगर उनको लिमिटेड अटेम्प्ट कर दोगे 4-5 बार मेंस में अटेम्प्ट होने का मौका दे दो, या मैं तो कहूंगा 3 बार मेंस में अटेम्प्ट होने का मौका दे दो, जिनका 3 बार मेंस में होके मेंस दे के सिलेक्शन होना होगा उनका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर करके एसएससी तक या और बच्चों के अंदर जागरूकता ला सकते हैं। सीजीएल 2023 की कट ऑफ गई, इससे हम एक चीज सीख सकते हैं सीजीएल 2024 के लिए कि देखो भैया मिनिमम, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो मिनिमम 160 टारगेट करो, 150 से नीचे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, रॉ स्कोर इतना होना चाहिए, बीट एनी गिवन डे, आपको किसी दिन एग्जाम में बिठाया जाए तो आपके 150 मिनिमम रॉ स्कोर आ जाए। 160 लाने के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स, आपका भी खा मैथमेटिक्स ही पढ़ने लग गए, 4 महीने मैथमेटिक्स ही पढ़ते रहे, आपको क्या काम करना है, हर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों बराबर की चीजें हैं, मेंस में जाके कंप्यूटर भी बराबर की चीज हो जाती है, टाइपिंग भी बराबर की चीज हो जाती है, तो आपको क्या काम करना है, चारों चीजों को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं केवल मैथमेटिक्स में फर्जी क्वेश्चंस करने करते 200 प्रश्न एक एक चैप्टर का कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं। आप प्रीवियस ईयर सबसे प्रीवियस, देखो आपको 80 नंबर मिल जाए प्रीवियस ईयर से 90 मिल जाएगा मेंस में, लेकिन अगर आपको लगता है 80 ही मिलेगा तो 80 ही करो, बाकी जीके ना छोड़ दो, वो टाइम जो आप कीमती टाइम अपना और सेक्शन को दे सकते थे वो आप केवल मैथमेटिक्स में 85 को 90 करने के लिए फूक रहे हो, और जीके में आपका स्कोर 40 से घट के 12 आ जा रहा है।
लिमिटेड टाइम है आपके पास, लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करो। सबसे अच्छा रिसोर्स प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड तैयारी करोगे नो डाउट आप और सेक्शन में भी अच्छा कर पाओगे। ये नहीं एक ही सब्जेक्ट, इंग्लिश वीक है इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हैं, दो घंटे बैच कर रहे हैं, दो घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दो घंटे सीट, दो घंटे बुक। मैथमेटिक्स में ऐसे एक बार सर की बैच देखा, बैच के बाद उनका नोट्स रिवाइज किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया, सर की सीट रिवाइज करी, 200 प्रश्न वो करे, फिर से कुछ फंसा वीडियो देखने। तो इन सारी चीजों में फंसना नहीं है आपको, लिमिटेड टाइम, एक बार सिलेबस हो गया, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए अपने हर सेक्शन को बैलेंस करते हुए पढ़ाई करें। ये बेसिक तीन डिमांड्स थी, एक तो रिवाइज्ड रिजल्ट, दूसरा बॉन्ड, हर ग्रेड पे बॉन्ड रख दो कुछ ना कुछ, और मेंस के लिमिटेड अटेम्प्ट कर दो, जिससे बच्चों का जो टाइम बेकार हो रहा है कि मेंस, अगर कोई बच्चा चार बार मेंस में अपियर हो गया तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, ऐसा कर दो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कम यंग बंदे मातरम। जय हिंद।